भागलपुर जिला के हबीबपुर थाना क्षेत्र के चमेली चक गांव में किराए के मकान में रहकर एक व्यक्ति शराब का कारोबार कर रहा था। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर हबीबपुर थाना अध्यक्ष कृपा सागर अपने दल बल के साथ मकान को चारों ओर से घेर लिया। मकान सर्च करने के दौरान 10 बोतल 100 पेपर अंग्रेजी शराब एवं 10 बोतल रम बरामद किया गया। जोगसर निवासी मनीष कुमार पिता हरदेव यादव को पुलिस ने धर दबोचा। वहीं जानकारी के मुताबिक मनीष कुमार कई बार इस धंधे में जेल जा चुका है। भागलपुर नवगछिया अनुमंडल अस्पताल स्थित कोविड 19 टीकाकरण सेंटर पर मंगलवार को कुल 50 फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया गया। मंगलवार को नवगछिया SDPO दिलीप कुमार सहित उनके अंगरक्षक व अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने टीकाकरण करवाया। नवगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य प्रबंधक ओम गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को कुल 50 लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसमें पुलिस पदाधिकारी व पुलिस नगर पंचायत के कर्मी एवं RPF के जवानों का टीकाकरण किया गया। भागलपुर नगर निगम सभागार में मेयर सीमा शाह की अध्यक्षता में स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्मार्ट सिटी वे वार्ड में चल रहे कार्यों के आय और व्यय की जानकारी दी जानी थी, पर प्रभारी नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद यादव अभी प्रभार में आए हैं और आने के साथ ही उनकी अब पहली बैठक थी, जिस कारण उन्होंने इस बैठक को स्थगित कर दिया और कहा कि मुझे अगले 10 दिनों का समय दिया जाए, जिससे मैं सभी वार्डों में हो रहे कार्य विकास में खर्च का ब्यौरा सही तरीके से दे सकूं। अभी मुझे इसकी विशेष जानकारी नहीं है। वहीं मेयर सीमा, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा व अन्य पार्षदों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रभारी नगर आयुक्त को समय दिया जाए और आज की बैठक आय व्यय का ब्यौरा में कमी रहने के कारण अगले तारीख तक स्थगित की जाए। हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि हम लोगों के बीच पूरी पारदर्शिता के साथ जाएं, लोगों के बीच पूरी पारदर्शिता के साथ अपने कार्य को रखें और साथ ही साथ हर सरकारी व्यवस्था के ऊपर आम जनता का एक भ्रष्टाचार के रूप में निगाह होता है कि इस संस्था में, सरकारी संस्था, यहाँ भ्रष्टाचार होता है या होता होगा। और बेशक यदि कोई जनप्रतिनिधि यदि ईमानदारी से काम करता है तो वो यही चाहता है कि भैया हम जिस संस्था में, कम से कम उस संस्था के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगे। और उसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि हमने अपने अभी तक के कार्यकाल में यदि एक एक रुपया किस किस मद में कहाँ कहाँ खर्चा किया है वो पूरी तरीके से जनता के समक्ष हम प्रस्तुत कर दें कि हमने इतना पैसा हमारे पास आया और हमने इस काम में इतना इतना पैसा खर्च कर दिया। ये जनता के समक्ष पारदर्शिता के साथ रखने से जनता का आपके प्रति विश्वास बढ़ता है। हम लोगों ने पूर्व की जो बैठक हमारे सशक्त स्थायी समिति की हुई थी उसमें हम लोगों ने यही बात रखी थी कि बहुत सारे जगहों पर नगर निगम के द्वारा ही कई तरह की ऐसी योजनाएं बताई जाती हैं कि हम लोगों ने ये योजना की, वो योजना की, यहाँ ऐसा हुआ या फिर हम लोगों ने जो है कोरोना काल में इतना खर्च कर दिया, इतना सैनिटाइजर बांट दिया, इतना मास्क बांट दिया, लाखों करोड़ों रुपए का हिसाब आता है, लेकिन वो कहाँ। भागलपुर समेत पूरे देश भर में कृषि कानून के विरोध में विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज बिहपुर के बभनगामा बाजार से कांग्रेस द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली में मुख्य रूप से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा, प्रभारी भक्त चरण दास, विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा, प्रवीण कुशवाहा ने हिस्सा लिया। ट्रैक्टर रैली बभनगामा से दांता मांगन साह के मजार तक पहुंची। इसके बाद कांग्रेस के तीनों नेताओं ने मांगन साह के मजार पर चादर पोशी की। वे बिहपुर पैदल यात्रा करते हुए बिहपुर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। किसानों का जमीन हड़पने के लिए, किसान को कमजोर करने के लिए, किसानों को गुलाम बनाने के लिए और सारे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाए हैं, आईडी नीचे करिए सब आ रहे हैं या जो न्यायालय में जाने का जो कानून था उसको हटा रहे हैं, ये सारी बातों भैया भैया हो भैया हो भैया भैया किसान का जो आंदोलन चल रहा है उसको हम सुन रहे हैं। ट्रैक्टर रैली था आज और चादर पोसी किसानों के विरोध में कानून लाया गया है उससे हम लोग बहुत और जा रहे हैं। किसान भाई कह रहे हैं कि सरकार ने किसान आंदोलन में चार महीना पहले से बैठे उनको समर्थन देने की जरूरत थी और हमारे आदरणीय राहुल गांधी
लोग अन्नदाता होते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, किसान 70% किसान की हालत में है, वो देश की आपकी स्थिति भी होती है। अगर उनको आज डीजल पेट्रोल की कीमत देखिए आसमान छू रहा है और वो टैक्स भी नहीं कम कर रहे हैं, किसानों को लागत नहीं आ रहा है, एमएसपी का रेट नहीं दे रहे हैं। कल विधानसभा में मंत्री, किसी मंत्री ने कहा हम